तो हेलो गेमर्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ प्लेनेट जू। तो आपका मेरे जू के अंदर फिर से स्वागत है। और यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस गेम में भाई। तो भाई लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी जाके देख लो भाई। लास्ट वीडियो में लेके आते हैं रेड पांडास को भाई। ये देखो भाई, कहीं भी चढ़ जाते हैं लकड़ी वकड़ी पे, ठीक है। तो भाई बड़े गजब की पैंडास है और भाई जनसंख्या बढ़ चुकी है पैंडास की भाई। ये देखो दो बेबीज आ चुके भाई, एक मेल एक फीमेल। और भाई ठीक है भाई, बढ़िया मतलब मस्त है भाई पैंडा, एक नंबर के, ठीक है। और भाई इनको ठंडक में रहना चाहिए होता है, तो भाई कूलर वूलर सब लगाया था। और देखो भाई ये देखो कितना क्यूट बेबी है भाई, क्यूट बेबी दिखाता हूँ भाई मैं आपको एक्चुअली भाई। देखो देखो कितना क्यूट बेबी है भाई, कितना क्यूट। ये देखो भाई, और ये ऐसे मुस्के सोते हैं भाई, एक ऐसे पूरा मतलब एक सर्कल बना लेते हैं भाई, घुस जाते हैं एक के अंदर और एक फिर सोते हैं भाई। क्या गजब के लगते हैं। और भाई पैसा देखो भाई, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई। देख लो कितना पैसा भाई, कितना पैसा, 7 लाख रुपए भाई मेरे पास, 7 लाख डॉलर रुपए भाई, डॉलर भाई। पैसा बहुत आ रहा है, अंधा पैसा आ रहा है भाई, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा है। तो भाई आपको दिखाता हूँ, आप भाई मेरे को भाई बहुत भाई भाई बार बार डेली कमेंट करते हैं भाई व्हाइट लाइन लाओ, व्हाइट लाइन लाओ। तो भाई मैं इस रीजन से नहीं ला रहा व्हाइट लाइन। ये देखो भाई लाइन की जनसंख्या देखो भाई कितनी हो गई। देखो भाई 13 लाइन है भाई, 13, जिसमें से भाई देखो 1 2 3 3 लाइन हमारे पास है व्हाइट लाइन। हम माना कि ये बच्चे हैं, ये देखो 3 लाइन है व्हाइट लाइन है, तीनों यही बच्चे हैं। बड़े होने के बाद यार व्हाइट लाइन बड़े लाइन हो जाएंगे मेरे पास इकट्ठे भाई। 13 लाइन है भाई, इनमें से काफी सारे रिलीज टू वाइल्ड करने पड़ेंगे। और भाई देखो मस्त स्विमिंग कर रहे हैं भाई यहाँ पे व्हाइट लाइन, देखो व्हाइट लाइन कह रहा हूँ भाई, नॉर्मल लाइन। देखो भाई ये फीमेल लाइन है दोनों ही, क्या गजब की स्विमिंग कर रहे हैं भाई ये तो। और तो भाई एक तो यार मेरे को आज ये कि ठीक करना है भाई, साथ के साथ ठीक कर ही देता हूँ यार। ये ना देखो ये ना प्रॉपर अजीब सा लगने लग गया, ये जब से यहाँ कनेक्ट हो गया ना, ये प्रॉपर एक ऐसे स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर से ऐसे पूरा पाथ बन रहा था ना, काफी अच्छा लग रहा था। इस पाथ को डिलीट मारते हैं पहले तो यार, ये बहुत गंदा लग रहा है मुझे ये, इसको मेरे को यहाँ से कनेक्ट नहीं करना है। हाँ ये यहाँ से कनेक्ट नहीं करना है भाई, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और पोज करके ना एक इसको सही करना पड़ेगा मुझे। ये देखो ना यहाँ पे थोड़ा सा ये वो हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा से नहीं लग रहा, इसको सही करना पड़ेगा एक बार, इसको तोड़ना पड़ेगा सारे को। ये मैंने तोड़ दिया पूरा, और अब इसको लेते हैं फिर से ड्रिट पाथ हटा के, ये पाथ हेरा अलाइन टू ग्रिड करके याली ग्रिड सेलेक्ट करनी है हमें। अब ये देखो ये प्रॉपर इसके साथ साथ मैचिंग का हो जाएगा अभी। ये देखो भाई प्रॉपर मैचिंग का हो गया ना। ये मेरे को मतलब ऐसा भाई पूरा सिमेट्रिकल काम करना पसंद है यार, तो सिमेट्रिकल काम कर दिया। और भाई अब ये थोड़ी सी चौड़ी करते हैं इसको, 10 मीटर पूरा जो जितनी मोटी चौड़ी हो सकती है उतनी चौड़ी करके इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बिल्कुल सेंटर से। देख लेते हैं ये होगी भाई सेंटर से और ये होगी कनेक्ट। तो देखो सिमेट्रिकल काम करने से भाई कितना प्यारा लगता है। देखो यार यहाँ पे एक रास्ता बन गया इसको, जिसको भाई अपना एग्जिबिट के एनिमल्स देखना वो इधर से जाके अपना देख सकता है, ठीक है। और इधर भाई हमने चीता का जो बना ही रखा है उसके लिए हमने ये काम कर ही रखा है। तो भाई इसके लिए मैंने एक चीज सोची थी कि दोबारा पाथ पे चलते हैं और डिलीट पाथ करते हैं, ये वाला जो पाथ है ना ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं एक बार, और फिर इसी पाथ को एक्सटेंड कर देंगे, ये वाले पाथ को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, मैंने ऐसा सोचा था। ये मैंने कितने मीटर का ले रखा है मेरे को याद भी नहीं है यार, 5 मीटर का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 8 का है। हाँ भाई ये 8 मीटर का रोड है, तो इस पाथ को यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। और इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको कनेक्ट इधर करेंगे, कनेक्ट इसको अपन सीधा बिल्कुल स्ट्रेट इधर। ये हो गया था यार अभी, 1 मिनट को दोबारा चेक करते हैं। ये देखो हो गया कनेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट हो गया देखो यहाँ पे। और अभी थोड़ा मतलब अजीब सा भी नहीं लग रहा भाई, अच्छा लगने लग गया अभी। देखो पूरा ना प्रॉपर बन गया है, ना पाथ ऐसे बन गया कि यहाँ से जो भी जाएगा उधर जाके देख सकता है आराम से प्रॉपर, ना बढ़िया लग रहा है अभी ये। और जो खाली स्पेस है ना यहाँ पे हम लगाते हैं पेड़ वगैरह, तो अपन फैसिलिटीज पे जाके यहाँ पे हम पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, फैसिलिटीज कह रहा हूँ सॉरी, नेचर पे जाके बढ़िया पेड़ वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। तो पेड़ वगैरह लगाते हैं, पेड़ की जगह हम लाइट भी लगा सकते हैं, लाइट लगा देते हैं फैसिलिटीज पे जाके। सिक्योरिटी में क्या है भाई अपने पास, ये रहा सिक्योरिटी, ये रहा सिक्योरिटी कैमरा पोस्ट भाई यहाँ पे, ये लगाते हैं क्या, ये सिक्योरिटी कैमरा यहाँ लगा दिया मैंने। देखो यहाँ पे कैमरा लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती अब, मतलब सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जगह जगह पर लगाना चाहिए भाई कैमरा, एक यहाँ पे भी लगा देते हैं। कैमरा तो बहुत जरूरी चीज़ है यार आज के टाइम पे भाई, इतनी चोरी चकारी सब होती है भाई, कैमरा तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। लो एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ भाई, ये एटीएम के पास बिल्कुल एटीएम पे लगा दिया भाई मैंने कैमरा, क्योंकि भाई एटीएम में भी चोरी हो सकती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 2-3 कैमरे लगा दिए मैंने, और तो देख लेते क्या क्या सीन है अपने पास। सिक्योरिटी का तो इतना ही है भाई, सिक्योरिटी का ज्यादा कुछ नहीं है, रेस्टोरेंट टेबल्स वगैरह। हाँ यहाँ पे देखो लोग वगैरह ना वहाँ पे कहाँ गए, वो ये लोकेशन आगे से खरीद रहे हैं, यहाँ पे आके पीछे आराम से बैठ के खाना पीना कर सकते हैं। तो भाई रेस्टोरेंट टेबल्स वगैरह लगाते हैं यहाँ पे लोग, ये लो जगह जगह पे रेस्टोरेंट, ये 3-4 रेस्टोरेंट टेबल्स लगा दिए मैंने यहाँ पे, अपने यहाँ पे बैठ के खाना पीना कर लो भाई यहाँ पे, ये सब ये बेस्ट रहा ना, ये बेस्ट है। और जो टेरेन है ना इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ना मैं प्रॉपर, क्या बिछा है यहाँ पे, शॉर्ट ग्रास कर देते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ सिर्फ इधर का बदलना है। ये लॉन्ग ग्रास हुई है ना, ये सारी शॉर्ट ग्रास कर देते हैं, नहीं तो यार ये गेस्ट को अच्छा नहीं लगेगा ना, गेस्ट यहाँ पे आएंगे तो उनके हिसाब से करना पड़ा जरूरी है, सही चीज़ है। और मैं रोक भी करता हूँ, स्मूथ रोक डाल देते हैं यहाँ पे। और या तो ऐसा करते हैं ना, फैसिलिटीज पे चलते हैं, फैसिलिटी नहीं कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, और ये नीचे कुछ आर्किटेक्चर वाला वो लगाते हैं, फ्लोर लगा देते हैं कोई, यहाँ पे होगा फ्लोर का ऑप्शन भी, ये रहा रूफ एंड फ्लोर्स, फ्लोर दिखाओ भाई मेरे को, फ्लोर फ्लैट फ्लोर्स, ये फ्लैट फ्लोर्स आ गए।
लकड़ी के फ्लोर लगा देखें यहाँ पे, ये ठीक अच्छे तो लग रहे हैं। लकड़ी के फ्लोर से लगा देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर ना। ये देखो भाई लकड़ी के फ्लोर से लगा दिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर ना। अब ये देखो दिखने में भी अच्छा लगने लग गया यहाँ पे, अजीब सा लग रहा था ना पहले, अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आराम से लोग बैठ के अपना एंजॉय करेंगे, फुल पार्टी वगैरह मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लाइट्स लगा देते हैं यहाँ पे, अच्छी लाइटें लगा देते हैं पीछे की, जैसे ये है ना यहीं से लाइट जल जाएगी, कोई इस टाइप की लाइट लगाते हैं। वॉल लाइट है ये अफ्रीका की, ये लगा देते हैं वॉल लाइट है यार, इतनी मेरे को लग नहीं रही है अच्छी लगेगी। ये वाली भी इतनी अच्छी नहीं लग रही, ये वाली देखते हैं, ये वाली भी अच्छी नहीं लग रही भाई वॉल लाइट, ये भी नहीं इतनी अच्छी है। ये क्या है वो, ये तो भाई खतरनाक चीज आ गई भाई। ये क्या है, यूरोपियन कैंडल, अरे कैंडल हर टेबल पे कैंडल, वाह 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 मजा आ गया, कैंडल बढ़िया लग रही है, हर टेबल पे कैंडल लगा देते हैं एक एक। लो भाई एक एक कैंडल लगा दिया हर टेबल पे भाई, गजब की चीज थी ये तो कैंडल भाई, बढ़िया मेरी चीज मिल गई। तो कैंडल तो लगा दिए, और ये क्या है, नहीं ये बॉल लाइट तो पता नहीं क्या है यार, ये लैंप लगा देते हैं यहाँ पे, ये तो यार अपनी मर्जी से लग रहा है कहीं पे भी यार, ले क्या लगा दिया ये सही है, एक यहाँ लगा देते हैं और एक बिल्कुल यहाँ टेबल के बीच में। ये देखो अलग अलग टेबल के बीच में लग गया ना लैंप, ये मतलब बढ़िया लगेगा रात को जब जलेगी ना लाइटें, तब दिखाऊंगा भाई आप लोग को, जब रात हो जाएगी ना इसमें तब दिखाऊंगा आपको। ये देखो मैंने लैंप ही लैंप लगा दिया चारों तरफ, ये लैंप अच्छे वाले लग रहे हैं मेरे को थोड़े से ना, तो ये लगाने सही थे भाई। ये देखो अब रोशनी हो जाएगी प्रॉपर ना यहाँ पे, ये लो भाई ये थोड़ी यहाँ पे लोग खाना पीना भी कर सकते हैं आराम से बैठ के, पीछे खाना पीना खाओ भाई ठीक है जाके। और देखो ये एरिया भी थोड़ा खाली खाली है ना, यहाँ पे भी लगा ही देते हैं, यहाँ पे भी टेबल टूबल लगाते हैं भाई खाने वगैरह की। तो पहले तो लकड़ी लगाते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ईयर वॉल ठीक है, ये लगाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे, ये लग गई है हाँ उतनी लगेगी बस, इतनी जगह पे है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे एक ही का जगह है, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है बाकी तो ठीक है, तो कोई एक ही बहुत है। और अब चलते हैं यहाँ पे अपने फैसिलिटीज़ पे था, वो कहाँ था, फैसिलिटीज़ पे था इधर, तो ये लगाता हूँ डबल बेंच ठीक है, इधर भी डबल बेंच लगाते हैं यहाँ पे, थोड़ा मतलब वो कपल वाला सिस्टम लगा दे, फैमिली वाला हो गया इधर, कपल वाला हो गया, दो बस इतने ही बहुत है यहाँ पे ठीक है। और ये डस्टबिन सटा देते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ से डस्टबिन मूव करने पड़ेंगे मुझे, मैं एक बार मूव कर लूँ, रुको रुको डस्टबिन मूव कर दूँ यहाँ से, क्योंकि यार ये डस्टबिन अब जहाँ पे लोग खा रहे हैं वहीं पर डस्टबिन ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना यार चीज़ें। डस्टबिन उधर की साइड है, इधर की साइड है, डस्टबिन कहाँ नहीं है, फिर डस्टबिन वहीं लगा देंगे, तो इधर लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे थोड़ी खा रहे हैं लोग तो यहाँ खा रहे हैं ना। ये वाला डस्टबिन भी दो, इसको मूव करवा लो, इसको यहाँ लगा देते हैं। ये देखो डस्टबिन लगा दिया मैंने प्रॉपर, ये हो गई ठीक है, अब बढ़िया जगह पे यहाँ पर आराम से बैठे खाना खा लेंगे लोग। ये पेड़ आ रहा है बीच में है ना, पेड़ इसको थोड़ा सा मूव करवा देते हैं, सिर्फ पेड़ चाहिए भाई ये वाला पेड़, हाँ ये वाला पेड़, सिर्फ ये वाला पेड़ मूव करवाना मुझे, ये लो इसको यहाँ कर देते हैं। पेड़ की छांव में तो वैसे भी लोग भाई बैठ के अच्छे से इंजॉय करते हैं, तो ये पेड़ थोड़ा सा मैंने मूव करवा दिया, वो बीच में नहीं आएगा बस ठीक है हो गया। और अब फिर से वही कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं और लाइट्स वगैरह देखते हैं, लाइट ये रही डेकोरेटिव लाइट है, तो ये कैंडल ये वाली तो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कोई और कुछ देखते हैं, कोई और बढ़िया सीन देखते हैं, कोई बढ़िया लाइट हो यहाँ पे कोई, भाई ये स्टार से लगाते हैं यहाँ पे, रात को स्टार चमकेंगे बढ़िया लगेंगे, इसमें स्टार से चमकेंगे बीच में वो बढ़िया लगेंगे, ये लो स्टार से लगा दिया मैंने यहाँ पे, और स्टार के बीच में लगाते हैं कैंडल, ये तो होल्डर है कैंडल होल्डर, ये लार्ज कैंडल है, ये वाली कैंडल ही लगा देता हूँ स्टार के बीच में बिल्कुल, ये लो भाई स्टार के बिल्कुल बीच में बीच बीचों बीच लगा दिया इसके भी, ये लो भाई बढ़िया हो गया ठीक है। तो देखो भाई कितना अच्छा बना दिया ना मैंने इस साइड से, मतलब अभी ये गंदा नहीं लग रहा दिखने में, पहले हरी हरी घास से अलग सी दिख रही थी। इधर भी कर दे क्या, इधर देखो इधर भी अजीब सा लग रहा है ना, तो हरी हरी घास लगा देते हैं इधर, इधर हरी हरी घास हटा के इधर भी पूरा ये बना देते हैं अपने, इधर नीचे पूरा बना देते हैं कंस्ट्रक्शन से आर्किटेक्चर से वो लगाते हैं पूरे वॉल नीचे, मतलब फर्श फर्श टाइप कुछ बना देते हैं। और किस चीज का बनाया अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इधर ये ब्रिक का बना दूं क्या, नहीं यार ब्रिक का तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बैम्बू वॉल क्या ये, नहीं यार ये मैच नहीं कर रहा मेरे को, तो यही अच्छी लग रही है लकड़ी का ही सही है सीन इसमें ना, ये मैच कर जाता है भाई सारी, देखो पूरी मतलब सीन से मैच कर रहा है, जो सीन लगा हुआ है ना उससे मैच कर रहा है प्रॉपर, तो मैं हिसाब से ये कर रहा हूँ। और बाकी तो देखो यार उधर रोड है, तो रोड पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, रोड पे आ जाएगा नहीं तो, देखो सारा रोड पे आ रहा है ये, तो रोड पे तो करने का कोई फायदा नहीं है ना, करने को वैसे मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ ऐसे, पर ये रोड पे देखो अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं नहीं लगा रहा वहाँ पे। इस साइड में सोच रहा हूँ यार इधर ऐसे रोड पे भी कवर कर देगा इसको प्रॉपर, ये ऐसे पूरा बेस ही बन जाएगा लो, ये देखो यार सुंदर लगने लगा है भाई, ये पूरा एक ऐसे लग गया कि मतलब रेस्टोरेंट एरिया दिख रहा है पूरा प्रॉपर ना, तो ये ऐसे मैंने प्रॉपर ही कर देते हैं, पूरा कवर ही कर देते हैं रोड को इससे, ये क्लाइमेबल तो होता ही है यहाँ पे, पब्लिक आराम से चल सकती है इसके ऊपर, दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब ये सारा एक रेस्टोरेंट एरिया हो गया है लो, ये पूरा एक रेस्टोरेंट एरिया हो गया, वुड से मतलब वुड के बेस पे कवर हो गया पूरा रेस्टोरेंट एरिया, बढ़िया लग रहा है, एक नंबर का लग रहा है भाई रेस्टोरेंट एरिया, वुड पे वुड से कवर्ड है पूरा, एक नंबर का लग रहा है भाई, एक नंबर का। और आज भाई हम ना अपने इसके अंदर जू के अंदर ना एक नया जिनावर लेके आएंगे, जिनावर भाई मैंने ब्लूप्रिंट करा था यार, ये बड़ा मतलब खतरनाक से ब्लूप्रिंट लगा यार, मैं देखना चाह रहा था कि इसको प्लेस करते हैं। ये देखो भाई इंडियन एलिफेंट एंड राइनो हाउस है भाई, ये राइनोसोरस है ना, जो राइनोसोरस वो एक सिंग वाला होता है उसके ऐसे होता है सौंक करके, वो वाला राइनोसोरस भाई उसका हैबिटेट है ये, और ये ना पर अतरंगी से हैबिटेट है भाई। ये देखो इसके चारों ओर यहाँ पे बनेगा रोड ठीक है, और अंदर रोड बनेगा, अंदर पूरा पाथ बनेगा,
मतलब पब्लिक इसके अंदर भी जा सकते हो ऊपर ना पूरा, मतलब इसने प्रॉपर बड़ा तरंगी सा है वो है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको बनाऊं कहाँ, तो ये जगह मेरे को नहीं पता चल रही कि बनाया ना कहाँ चाहिए इसे। तो उस जगह इसको देख रहा हूँ कि देखो प्रॉपर अभी मैं देखो ड्रोन व्यू दिखा रहा हूँ आपको मेरा ना जी, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है वैसे अभी तो फिलहाल, बस ये थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है बट अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना इधर की साइड ऐसे बना दे, इस लोकेशन पे इसको इधर ऐसे बना दे, इधर कर देता हूँ प्लेस। लो भाई प्लेस तो हो गया बढ़िया सही तरीके से। ये देखो भाई ये शोमी दिख भी रहा है प्रॉपर, शोमी जो भी है ये दिख रहा है, ज्योमी ज्योमी मत समझना भाई शोमी है। और भाई देखो प्रॉपर ना पीछे भी देखो पूरा इसने ना बता रखा कि कैसे कैसे बनाना है, ये लिखा हुआ डिलीट द नल बैरियर। देखो इसमें ना बैरियर्स दे रखे होंगे, एक मिनट भाई रोड नहीं चाहिए बस बैरियर दिखा दे। हाँ ये देखो ये पूरे नल बैरियर है सारे, देखो ये पूरे में नल बैरियर हुए हुए हैं। तो इसने बोला जितना भी नल बैरियर है ना सारा डिलीट मार दो, तो कंप्लीट ये सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट मार देते हैं। ये ले भाई डिलीट मार दिया, ले भाई डिलीट हो गया नल बैरियर। अब बता पुट पाथ अराउंड द हैबिटेट, भाई हैबिटेट के चारों तरफ पाथ बनाने के लिए कह रहा है। ये देखो ये डोनेशन बॉक्स लगे दिख रहे हैं चारों तरफ, तो बस इस चारों तरफ ये डोनेशन बॉक्स के साथ साथ ना पाथ बनाने कह रहा है। तो Meanwhile, और भाई भाई एक मिनट ये क्या हो गया भाई, एक डेंजरस फाइट होगी भाई, एक मिनट रुको भाई ये क्या हो गया, ओवर क्राउड हो गया यहाँ पे हैबिटेट 9 में भाई, डेंजरस फाइटिंग हो रही है। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अरे भाई साहब रुक जाओ भाई, चीता के बीच में फाइट हो रही है बहुत भयंकर। एक मिनट रुक जाओ भाई, हमारे चीता है क्या है ना, चीता के बीच में नहीं हो रही है, ये वो है बंगाल टाइगर है ये। हाँ बंगाल टाइगर के बीच में फाइट हो रही है बहुत तगड़ी वाली। ये देखो क्योंकि भाई बंगाल टाइगर सिर्फ एक मेल एक फीमेल ही साथ में रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते भाई। इसमें तो मैच्योरिटी देख लेते हैं, तो भाई जो सबसे ज्यादा मैच्योर होगा ना उनको मैं बेच डालूंगा बंगाल टाइगर में भाई, मैच्योरिटी में चला गया। तो ये देखो ये दोनों मेल फीमेल बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। ये नहीं ये ध्रुव नहीं भाई, ध्रुव को नहीं बेचेंगे भाई, ध्रुव गोल्डन है हमारा। और भाई बढ़िया चल रहा है ध्रुव का काम, ध्रुव से हमारा बढ़िया काम चल रहा है और 4.4 साल का ये, इसको क्या ही बेचना, ध्रुव को नहीं बेचेंगे भाई, अमोल को बेच देते हैं, ध्रुव को भी नहीं बेचेंगे अमोल को बेच देते हैं। और भाई 4.3 साल की फीमेल अनन्या ये सबको बेच देते हैं, सबसे ज्यादा यही दोनों काम चलाएंगे भाई, इन दोनों को रखते हैं बाकी सबको रिलीज टू वाइल्ड। भाई साहब 1256 भाई 1256 क्रेडिट मिल रहे हैं भाई, जाओ भाई जाओ इंजॉय भागो यहाँ से भागो फिर भी ठीक है। तो भाई इधर ऐसा सीन था कि देखो मैं कुछ बता रहा था ना आपको, रोड वगैरह यहाँ तक आ गए और यहाँ से ना रोड ऊपर चढ़ाएंगे हम। देखो ये दिख रहा है एक ही डस्टबिन है यहाँ पे, एक ही ऊपर भी लग रहा है डस्टबिन यहाँ पे, यहाँ से रोड ऊपर आएगा और इससे अंदर जाएगा, यहाँ से एक रोड ऐसे अंदर चला गया और भाई फिर यहाँ से अंदर जाएगा ऐसे प्रॉपर रोड। और ये भाई एक वो है शॉप है, देखो ये कॉफी शॉप ठीक है, और ये भी एक शॉप है इधर, अरे ये रिया ये भी एक कॉफी शॉप, ये भाई चीफ बीफ की शॉप है। और ये भाई प्रॉपर इनकी ना सीटिंग बना रखे देखो, अरे हाँ रात भी तो हो गई यार, तुम्हें लाइट वगैरह दिखानी थी ना, ये देखो इसमें देखो कितनी मस्त लाइटिंग हो रखी है ना, और वो तुम्हें मैंने जो लाइट वगैरह लगाई थी वो भी दिखानी है, वो भी दिखाते हैं रुको भाई, वो क्या मस्त शानदार लग रहा होगा। ये देखो भाई क्या शानदार, देखो कैंडल जल रही है सारी और ये भाई प्रॉपर रोशनी हो रखी है देखो यहाँ पे भाई, क्या मस्त शानदार लग नहीं रहा ये भी। और इधर भी प्रॉपर देखो हमारा स्टार भी जल रहा है और कैंडल जल रही है बीच में, और इन पे भाई स्टार और कैंडल जल रही है बीच में प्रॉपर भाई, क्या गजब की हो गई ना ये चीजें। और यहाँ पे लाइट तो है ही भाई बढ़िया बढ़िया जल रही है जो, बट कोई नहीं डिजाइन के लिए बढ़िया लग रहा है यार ये, मैं डिजाइन के लिए सही लग रहा है, मैं इस पे रेस्टोरेंट बनाऊ ना बनाऊ वो अलग बात है ठीक है। वहाँ पे है अंदर शायद इधर प्रॉपर रेस्टोरेंट है, तो अपने हिसाब से अपना यहाँ पे बैठ जाएंगे लोग आके, तो भाई प्रॉपर अभी ठीक है। और भाई नीचे का भी नीचे भी देखो दिख रहा है ये इसका चारों ओर क्या है कि इसमें ना वहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, पीछे ना सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट को, ये देखो ये लिखा हुआ ना इसमें सारा कुछ, यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखो लिखा हुआ कि जो ब्लैक एरिया ना इसके चारों तरफ वो बनाना है, वो पाथ बनाना है एक तो ब्लैक एरिया में यहाँ पे प्रॉपर ये ब्लैक एरिया में चारों तरफ पाथ बनाना है एक तो प्रॉपर, और भाई जो ये है ना इधर पूरा बाउंड्री जो इधर शीशे की बाउंड्री बनानी है प्रॉपर, इसमें लिखा हुआ है साफ। तो ये भी करते हैं और भाई सबसे पहले सुबह करते हैं, अरे लाइट ना आंखों में चुभ रही है तो एक बार सुबह कर लेते हैं फटाफट से ठीक है। तो सुबह करने का मिलता हूँ मैं आपको, तो लो भाई जल्दी से हमने सुबह भी कर दिया, सुबह हो गया। और भाई अब फटाफट सबसे पहले तो करते हैं हैबिटेट गेट लगाने के स्टार्टिंग से ठीक है। तो ये लिखा हुआ है भाई हैबिटेट गेट, तो यहाँ पे एक हैबिटेट गेट लगेगा, तो चलते हैं बैरियर पे ठीक है। और बैरियर का जो ये रहा भाई हैबिटेट गेट ये लगाएंगे यहाँ पे, ये भाई हमें बोला गया है कि हैबिटेट गेट लगाना है इधर, तो इधर लगेगा हैबिटेट गेट हमारा। तो लो भाई हैबिटेट गेट लगा दिया तुम्हारे भाई ने इधर ठीक है। अब भाई इसके बनाने के बाद ना हैबिटेट गेट बनाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि देखो हैबिटेट गेट बनाने के बाद जो है नल बैरियर लगाना है पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ, तो नल बैरियर ले लेते हैं, ये रहा नल बैरियर। और भाई इसकी हाइट छोटी कर लेते हैं एक बार, लो लेंथ तो छोटी कर ली मैंने, ज्यादा छोटी हो गई, इतनी लेंथ कर लें कि यहाँ तक सेट बैठे हैं। लो भाई ये प्रॉपर यहीं तक सेट बैठी है ठीक है। और भाई इसके चारों तरफ बनानी है यही है अभी मुझे, पूरा नल हैबिटेट लगाना है पूरा चारों तरफ इसके, तो लगाते हैं भाई फटाफट से ठीक है। सिर्फ दीवार है ना, ये जो दीवार के चारों ओर बनाना है मुझे प्रॉपर ना, ये हर बैरियर पे इस पे हर इस पे लगा देते हैं इसको ऐसे नल बैरियर। अभी इसको थोड़ा सा कर्व ऑन कर देते हैं इसको थोड़ा सा ना, ये कर्व होता रहेगा तो प्रॉपर बन जाएगा, ये तो ये दिक्कत देगा बाद में ऐसे। भाई देखो चारों तरफ दीवार तो है ही, इसमें से जिनावर हमारे बाहर तो निकल नहीं सकते, इसलिए नल बैरियर बनाने ही कह रहा है प्रॉपर ना। ये देखो भाई प्रॉपर ये जैसे आ गया पूरे, ये देखो यहाँ पे भी दीवार है प्रॉपर ना, तो इसमें नल बैरियर आराम से बढ़िया बनेगा। तो देखो भाई
पूरे यहाँ तक बैरियर तो लगा दिए। अब यहाँ से मुड़ेगा अंदर की साइड बैरियर, ये यहाँ तक नहीं आएगा बैरियर, ये पीछे होएगा थोड़ा सा यहाँ से, ये यहाँ और पीछे, ये यहाँ से आएगा। अच्छा ये भाई हाईलाइट हो रहा है, ठीक है प्रॉपर। अब ये यहाँ जाएगा अंदर की साइड, ये भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आएगी उस हिसाब से बनेगा ये पूरा बैरियर ना, यहाँ पे पब्लिक आएगी भाई। ये देखो यहाँ तक बन गया। अब भाई ये ना प्रॉपर मैंने यहाँ तक तो नल बैरियर बना दिया, देखो बाउंड्री तक दोनों की, दोनों साइड से। अब एक मिनट इसको वहां से हटा के, अरे ये क्या हट गया, ये नहीं हटाना था। हाँ ये यहाँ से लेना है नल बैरियर, दे नल बैरियर, ये यहाँ प्रॉपर ऐसे नल बैरियर जाएगा यहाँ तक, बाहर तक आ गया नल बैरियर। अब ये जो है ना ये सारा शीशा भी बन देगा, ये पूरा शीशा बनेगा यहाँ पे। ये देखो ये जो मैं नल बैरियर लगा रहा हूँ ना यहाँ पे लगेगा शीशा। ये हटाते पहले नल बैरियर यहाँ से, और इसको पहले हाइट थोड़ी बड़ी करता हूँ, रुको इतनी हाइट काफी है। और भाई अब लेना शीशा, भाई शीशा दे भाई, शीशे लगेंगे यहाँ पे। तो ये भाई शीशा लो, आई येरा शीशा आ गया, ये लगेगा यहाँ पे, लग गया देखो ठीक है यहाँ ऐसे प्रॉपर। ठीक है तो ये देखो प्रॉपर ऐसे शीशा लगाना है, लो भाई देखो प्रॉपर शीशे भी लगा दिए। अब भाई क्या करना है ना, ये शीशे को सिलेक्ट करो यहाँ से, और इसको ऐसे ले जाओ पूरा यहाँ तक, पूरा घुमाओ इसको, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, पूरा प्रॉपर घुमाओ, और जहाँ तक शीशे थे ना वहाँ तक घुमा दो इसको प्रॉपर। ये अभी तो और भी हैं शीशे, रुक जाओ। तो भाई देखो ये शीशे हैं, और अब इसको ऊंचे करने हैं इन शीशों को, ऊंचा मतलब इसके बिल्कुल ऐसे लेवल का होना चाहिए ना, ये एक लेवल का। तो ये सारा शीशा ऐसे ऊंचा हो गया देखो, प्रॉपर मतलब प्रॉपर बढ़िया बन गया ना। देखो ये हैबिटेट लग रहा है ना, तगड़ा हैबिटेट भाई। देखो यहाँ नीचे पूरा शीशा हो गया, और अब ऊपर वाले रास्ता बनाना पड़ेगा, ऊपर पब्लिक आने का रास्ता बनाना है और नीचे का पब्लिक का रास्ता बनाना है। हमने हैबिटेट पूरा क्लियर बना दिया, हैबिटेट सही बना दिया, तगड़ा बना दिया ठीक है। अब भाई पब्लिक का रास्ते का, पब्लिक आने जाने का रास्ता बनाना है अब यहाँ पे प्रॉपर। तो रास्ता बनाते पब्लिक के आने जाने का, तो भाई रास्ता बनाएंगे ये वाले का, ये एक नंबर का भाई बढ़िया लग रहा है। और भाई इसको बड़ा कर लेते हैं, 10 मीटर का रोड लगेगा यहाँ पे प्रॉपर ठीक है, 10 मीटर का रोड लगाएंगे प्रॉपर यहाँ पे ना। उधर की साइड नहीं बन रहा रोड, इस साइड बनेगा रोड, इस साइड बना देते पहले। यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ये चेंज कैसे हो गया बीच में, देखना ये बीच में चेंज सा हो गया भाई, पाथ चेंज सा हो गया भाई, डिलीट करना पड़ेगा ये, डिलीट हो। हाँ ये वाला था ये पाथ भाई, वो चेंज हो गया गलती से, डिलीट हटाओ। अब इसको रोको एक बार, यहाँ से हमें थोड़ा सा कर्व में चाहिए ना पाथ, तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। रुको ये लग गया भाई, देखो बढ़िया पाथ बना दिया तुम्हारे भाई ने ना, एक नंबर का पाथ बना रहा हूँ तुम, देख तुम्हारे लिए देखते जाओ। ये लो भाई, ये यहाँ पे कनेक्शन क्यों नहीं बना रहा भाई, क्या गड़बड़ आ रही है भाई यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रही है भाई। अब लगा के देखते हैं पाथ, अब मेरे ख्याल से लग जाना चाहिए। हाँ देखो अब लग गया भाई प्रॉपर, देखो अब लगेगा ये वाला भी लगेगा, अब यहाँ से भी सही हो जाएगा। अब ये देखो अभी सारा सही हो गया पाथ, पूरा वहां तक का लग गया। अब इसको इधर से ऐसे पूरा मोड़ मोड़ के ले जाते हैं। अरे ये पेड़ आ गया बीच में, पेड़ 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 हट जा, हट गया पेड़, चलो। ये देखो भाई प्रॉपर एक नंबर का पाथ बना दिया, देखो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे, देखना क्या मस्त लग रहा है। देखो छतरी वतरी सब आ गई पाथ में, डोनेशन बॉक्स वोनेस बॉक्स सब पाथ के अंदर आ गया। और यही पाथ ले जाते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ा के इसी पाथ को आगे ले जाएंगे बढ़ा के। ये लो भाई यही पाथ आगे ले आया है बढ़ा के। अरे चेंज हो गया पाथ, पहले कौन सा पाथ लग रहा था और फिर आगे जाके चेंज हो गया पाथ। अरे यार ये पेड़ एक नंबर का बीच में आ रहा है, तो ये पेड़ बीच में आ रहा बहुत ज्यादा हमारे, यहाँ पे पाथ चेंज हो गया भाई। रुको इतना तो लगा पाथ पहले, इतना तो पाथ बन गया हमारा प्रॉपर। अब भाई एक पहले अंदर का पाथ बनाते हैं ठीक है, अंदर के पाथ वाथ बना लेते हैं पहले प्रॉपर ना, अंदर साइड क्या बनाना है पूरा प्रॉपर पाथ वाथ दे देते हैं अंदर की साइड के। यार मेरी ख्याल से यार ये 10 मीटर में वैसे डिसलेक्ट डिलीट करके देखता हूँ यार, क्या पता ये 10 मीटर के अंदर में ही आता हो यार, 10 मीटर के अंदर में आता होगा ना तो बढ़िया डायरेक्टली बढ़िया बन जाएगा यार ये। रुको 10 मीटर में प्रॉपर कवर हो जाए तो ये बढ़िया, देखो डायरेक्टली बढ़िया बना दूंगा मैं इसे। अरे यार हट जा यार ये, हाँ 10 मीटर में बढ़िया कवर हो जाएगा। रुको इसको 10 मीटर के अंदर अंदर रेडियस वाला लेके सिस्टम इसको ऐसे बना देंगे। उधर जाने की बहुत जल्दी पड़ रही है इसको, यहाँ से लेना पड़ेगा छोटा वाला पतला वाला। ये लो भाई अब आ गया ग्रिड व्यू में, अब आएगा स्वाद, अब ये सारा ग्रिड में बन जाएगा फटाफट भाई सारा कंप्लीट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ इसको मैं फटाफट से। वो ये नीचे क्या लग गए लकड़ी के भाई, ये टाइल टूल सी जो भी है हटानी पड़ेंगी भाई सारी, एक मिनट रुक जाओ नीचे भाई, ये लकड़ी के पता नहीं क्या क्या लग गए ये लगाने से, ये अगर हट जाए तो बढ़िया है, नहीं हट रही यार ये लकड़ी तो आ रही है यार ये, और अगर नेचुरल पाथ करूँ तो तब भी आ रही है भाई, नेचुरल पाथ में भी आ रही है ये, तो देखना ये पूरे में लकड़ी सी हो गई यार, ये अजीब सी नहीं लग रही यार, इसका क्या करा जाए। ओए हट गया ओए पाथ स्पॉट हट गया, रुको अब दोबारा से लगाते हैं टाइल, कौन सी बढ़िया टाइल लगाएंगे, डेकोरेटिव है ना ये वाली डेकोरेटिव है, ये वाली लगाते हैं। रुको मैंने भाई हटा तो दिया ये पाथ सपोर्ट, तो मैंने हटा दिया, तो डंडे हट जाने चाहिए जहाँ तक सारे। हाँ भाई डंडे हट रहे हैं, कि करके सारे डंडे हट जाएंगे अब सही है सिस्टम, बढ़िया हो जाएगा अब। One hour later. तो भाई देखो हैबिटेट का ना प्रॉपर आगे से रास्ता बन गया प्रॉपर, देखो बढ़िया ठीक है, और अंदर की ऊपर रास्ता बना दिया मैंने, ऊपर देखो ऊपर ये पूरा रास्ता बना दिया मैंने, और जैसे ये स्टाफ हाँ ये जोड़ना रहेगा, इसको जोड़ देते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे भाई लोग आएंगे तो खाएंगे पियेंगे, तो ऊपर रेस्टोरेंट बना रहेगा प्रॉपर ठीक है, तो इसको जोड़ना है यहाँ से। ये लो ये जुड़ गया
ठीक है, ये प्रॉपर ऐसे जुड़ गया वहाँ पे स्टाफ पाथ, ठीक है, और इसका भी जोड़ना पड़ेगा, ये लो ये भी जुड़ गया स्टाफ पाथ से, ठीक है। और जो ये भाई ये जो ऊपर है ना ब्लैंक स्पेस है, ये अभी ढक देंगे इसको ना प्रॉपर किसी चीज से लगा देंगे। अब बाकी देखो प्रॉपर स्टाफ पाथ तो सारा जुड़ गया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर जगह पूरे में पाथ पूत तो जुड़ गए है ना, प्रॉपर मतलब बन गया एरिया बढ़िया। और अब बात आगे नीचे की, तो नीचे भी बनाना है पाथ हमें प्रॉपर, ऐसी नीचे ही बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। तो नीचे बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई वही सेम कांगे हमारा रोड, ये वाला रोड लेंगे, ठीक है, और ये अंदर चलेंगे यहाँ से, ये यहाँ से एंट्री है भाई, यहाँ पे ना नीचे वालों के लिए जो एंट्री है वो यहाँ से एंट्री, तो प्रॉपर ये एंट्री वंट्री है जो यहीं से है इनकी। रोड कहाँ गया भाई, रोड ऊपर ही बिल्ड हो रहे हैं भाई, जबकि नीचे बिल्ड करने हैं, अब ऊपर बिल्ड हो रहे हैं पर रोड भाई। पहले ना यहाँ पे ऐसा करते हैं हैबिटेट गेट लगाते हैं, फिर उसके हैबिटेट गेट से लाइन करके वो बना देंगे प्रॉपर, ठीक है। तो हैबिटेट गेट वगैरह लगा देते हैं दोबारा से, यहाँ पे जो हैबिटेट बनाया था ना हमने वो दोबारा बना देते हैं फटाफट से। तो लो भाई हैबिटेट भी मैंने पूरा बना दिया चारों तरफ से, दिखाऊं, देखो अगर इसको ऐसे करें और ऐसे करें तो देखो ये पूरा हैबिटेट बन गया, देख लो, ठीक है, चारों तरफ हैबिटेट बना दिया प्रॉपर बढ़िया सा, ठीक है, हैबिटेट प्रॉपर बन गया है। रोड भी बन गए हैं बाहर के, अंदर के रोड रह रहे हैं बनाने, वो अंदर के रोड बनाने के लिए तो करना पड़ेगा काम जुगाड़ भाई, जो सारा करते हैं पहले हैबिटेट गेट ये हटा देते हैं यहाँ से, ये भाई की लो हैबिटेट गेट यहाँ लगाना है, वो लग गया क्योंकि हमारा हैबिटेट गेट जो था, ठीक है। और अब लेते हैं ये वाला पाथ लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, और कर दो इसको चौड़ा फुल भाई। बड़ा यार बड़ा औखा काम है यार ये भी, यार मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत बहुत औखा काम है भाई, भाई साहब बहुत ज्यादा ही औखा काम है भाई। अरे नहीं जोड़नी यार वहां से अभी मेरे को रोड, भाई मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, बहुत बहुत ज्यादा ही औखा काम है ये, मैं बस पता नहीं कैसे भगवान ने शक्ति दे दी अभी मेरे को बनाने के लिए कुछ, मैं तो ये बनाने लग रहा भाई, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही औखा काम है भाई ये हटाओ भाई सारे, अब इसको आगे ले जाओ पहले, अब यहाँ से ऐसे रास्ता लेके जाना है मुझे अंदर, अंदर क्यों नहीं जा रहा रास्ता, ये हट रहा है क्या। ओके गाइस फाइनली कनेक्शन तो हुए कुछ ना कुछ कैसे भी करके भाई, बड़ी मुश्किल से हुए हैं पर अंदर के कनेक्शन तो हुए कुछ कुछ करके। अब इसका नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हुआ कनेक्ट, हो गया कनेक्ट ये भी शायद भाई, ये भी कनेक्ट हो गया, ये सही ऐसे हो जाएगा, ये देखो ये हो गया सही, ठीक है, और प्रॉपर हैबिटेट का गेट गुट सब ये सेट हो गया मामला। और भाई अब आगे रास्ते का देखना पड़ेगा, इस आगे का पाथ कैसे बनेगा ये देखना है हमें, तो पहले तो पाथ पे जाओ। अरे यार ये क्या सेलेक्ट हो गया, ये सब कुछ सेलेक्ट नहीं करना, बस पाथ देखना है हमें कैसे बनाना आगे का यार। अरे ऊपर नहीं करना कुछ, यहीं पे अब यहीं पे यहीं का काम है सारा। तो ये देखो यार ये चौड़ा रोड थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा 7 मीटर रोड करते हैं, 7 मीटर रोड यहाँ से मेरे को बढ़िया लग रहा है, 7 मीटर रोड सही है यहाँ के लिए ना, ये ऐसे प्रॉपर एक सर्कल बनाने के लिए 7 मीटर रोड बढ़िया रहेगा। तो इसको ऐसे प्रॉपर एक मतलब अब बस हमें ऐसे एक सर्कल बनाना है यहाँ पे ना प्रॉपर, इसको बनाता हूँ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई पूरा चारों तरफ सर्कल भी बन गया यहाँ नीचे भी, ठीक है। अब भाई बाहर से कनेक्टिविटी रह गई, एक कनेक्टिविटी और करनी है फटाफट से कर देते हैं वो कनेक्टिविटी ना, बाहर की कनेक्टिविटी रह रही है, देखो ये यहाँ से तोड़ दिया ना मैंने, तो यहीं से रह रहा है बस अब ये काम इसका। अरे जुड़ जा, जुड़ रहा है ना मस्त, जुड़ तो रहा है, जुड़ जा। लो भाई ये भी जुड़ गया, कनेक्टिविटी होगी बाहर से भी मस्त। और भाई अब इसकी रह गई है, इसको उठाना है बस यहाँ से ऐसे करना है, कहाँ गया मूव का ऑप्शन, क्यों नहीं आ रहा, आ गया भाई मूव का ऑप्शन आ गया, ये एक और बस हल्का सा यूं करना है कनेक्ट, भाई ये भी कनेक्ट हो गया देखो प्रॉपर, ठीक है। और भाई अब बैरिकेडिंग का और देख लें इसकी, अगर ये बैरिकेडिंग क्या हो रखी है भाई, नल की नहीं तो इसकी कर दे और इसको ऊपर कर दे, ये बिल्कुल सेंट्राइज में सेंट्राइज होना चाहिए ना भाई। ये पिलर ज़्यादा ऊँचा हो रहा है, पिलर नीचे आ, हाँ ये पिलर भी आ गया नीचे, देखो ये बराबर हो गया मामला सारा, ठीक है, ये भी जुड़ गया है पूरा अच्छे से, मतलब सारा सेट हो गया मामला, और अब बाकी तो बढ़िया बन गया। और भाई अब ऊपर से बस, हाँ ये ऊपर वाला रास्ता और करना है कवर कंप्लीट, ये कांगे रास्ता ऊपर वाला यहीं पे आ रहा होगा, ये रही भाई सीढ़ी। अरे क्या सिलेक्ट हो रहा है, जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। हाँ यहीं से यार ये पेड़ हट रहे हैं तो बीच में, यार ये पेड़ हटाऊंगा पहले, पेड़ को हटाओ यहाँ से पहले, ये यहाँ लगाओ एक बार, अब ये मेरा काम बढ़िया बन जाएगा यहाँ पे, ये पेड़ हट रहा था बार बीच में ना, तो ये काम नहीं होने दे रहा है ये मेरे को, ये रोड वाला पार्क रोड का काम करने दो यार प्रॉपर ना यहाँ पे, अब पहले लंबा ले आओ नीचे, अब नीचे उतार दो यहाँ से, सीढ़ियों से नीचे उतर जाएगा यहाँ से प्रॉपर। ओ भाई साहब कितने नखरे हैं भाई, कैसे आया भाई ये नीचे, देखो ना कैसे घूमता फिरता टूटता फूटता नीचे आया भाई, ये देखो कितने नखरे हैं भाई इसके भाई, ओ भाई 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 बहुत नखरे है भाई इस रोड के भी भाई, रोड बनाने के भी भाई पूरे फुल नखरे है भाई इस गेम में भाई, देखो भाई बड़ी मुश्किल से रोड बनाए पर बन गए भाई, सारे रोड बन गए फाइनली भाई, बहुत देर लगी रोड बनाने में पर बना दिए भाई सारे, तुम्हारे भाई ने ना सारे रोड बना दिए प्रॉपर, अब ये चारों तरफ रोड ही रोड हो गए। और भाई तो भाई अब ये शोमी को भी हटा देते हैं यहाँ पे, शोमी जो भी है ये हट जाए तू हट, गायब हो यहाँ से, लो भाई ये शोमी भी गायब हो गया। और भाई अभी ये रोड को कनेक्शन देना पड़ेगा कि भाई लोग यहाँ पे घूमने फिरने कैसे जाएंगे, उनका भी तो कनेक्शन देना पड़ेगा ना, अब लोग यहाँ आएंगे तो घूमने भी तो जाएंगे उस साइड, तो उनके लिए कनेक्शन कहाँ से निकालें, तो भाई उनके लिए कनेक्शन निकाल देंगे इधर से कहीं से, तो ये
इधर से लेते हैं लंबा चौड़ा रास्ता 10 मीटर का ही, ठीक है। एक ये ले लिया 10 मीटर का रास्ता यहाँ से ही, और ये सीधा जाके यहाँ पे, ये लो भाई ये कनेक्टिविटी हो गई भाई। लो अब जिस पीपल को भाई यहाँ हिप्पोपोटामस देखना है, हिप्पोपोटामस, तो वो उधर से आ जाएगा हिप्पोपोटामस देखने। तो भाई चलो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।